गाइस, हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? तो फाइनली मैं अपने घर पे आई थी लॉकडाउन के टू मंथ। पहले लेंगे पटेटो। पटेटो को मैंने ऐसे स्लाइस करके इसको हाफ बॉईल कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोचो। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चावल का आटा, पर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें डाला है मैदा। मैदे को हम अच्छे से इसमें कोट करेंगे। थोड़ी देर के लिए उसको हम रेस्ट करने देंगे, अच्छे से कोट हो जाएगा। मैंने एक पैन लिया है, इसको अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। और चिल्ली पटेटो बनाने के लिए मैंने लिया केचप, 2 ग्रीन चिली, गार्लिक और 2 लाल मिर्ची को मैंने पानी में भिगा के रखा है। अब आप देख सकते हैं मेरे पटेटो अच्छे से उसके अंदर बिल्कुल ठीक से उस कोट हो चुके हैं, मैरिनेट हो गया है। बस उसको हम डीप फ्राई करेंगे। सारे एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको उसमें डीप फ्राई करेंगे। तब तक हम अपना क्या करेंगे, मैं अपनी लाल मिर्ची को, गार्लिक को कूट लूँगी। मेरी बहन मुझे फिर परेशान करने आ गई। ये देखो एकदम गोल्डन हो गई, कितनी सुंदर लग रही है। अब बाकी के पटेटोस को भी मैंने ऐसे ही डीप फ्राई कर लेना है। यार देखो, मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं एंड मुझे बनाना मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, वो भी शानवी की डिमांड पर। ये मैंने गार्लिक, ग्रीन चिली और अपना रेड चिली को लेके इसका मैंने पेस्ट बना लेना है। मैं पेस्ट नहीं बना रही, मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। कूटने से ना टेस्ट बढ़ जाता है, पता है आपको। अपने आलू को एक बार फिर से देख लेंगे हम कि इसमें अच्छे से फ्राई हुए कि नहीं हुए। बीच में कलर नहीं आया, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक मैंने नहीं निकालना, ताकि क्रंची और क्रिस्पी बने और अंदर से एकदम सॉफ्ट। हमने सारे पटेटोस को ऐसे फ्राई कर लेना। ये देखो, ये काम मैंने नहीं करा है, मेरी बड़ी दीदी ने करा है। फ्लेम कर दी ऑफ, पटेटोस को निकाल लिया। ये देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। एक अनियन को स्लाइस कर लिया पटेटोस के अकॉर्डिंग, जितना तुम्हें खाना है। मेरी मेरी चिलकोजी शानवी, मेरी हेल्प करने आई है, देख लो छोटे बच्चे हेल्प कर रहे हैं मेरी। मैंने लिया एक पैन, इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल को कर देंगे हम अच्छे से गरम। पैन मेरा हो गया गरम। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर। अब हम डालेंगे अपने स्लाइस ऑनियन। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा थोड़ा सा क्रंची रखना है हमने इसको। अब हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट, चिली गार्लिक वाला। तो ये डाल दिया मैंने शानवी के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच चिली एंड गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे। ये डाल दिया टमाटो केचप,
केचप केचप आई लव केचप। मिक्सिंग मिक्सिंग अब इसमें एक चम्मच डाला है सोया सॉस। ओए ज़्यादा हो गया, बाकी का फेंक दो। अब हम इसको करेंगे फिर से मिक्स मिक्स मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। ये इसमें गया विनेगर। थोड़ा सा केचप और, क्योंकि शानवी लव्स केचप। अच्छा हाँ सुनो, मेरे पास ना इसके अंदर कैप्सिकम भी डालना था, स्प्रिंग अनियन भी डालना था, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और हमने इसमें कॉर्न फ्लावर को भी डालना था बट नहीं था, सो आई स्किप इट। ये मेरी शान भी मेरी हेल्प करा रही है किचन में। अब मैंने इसमें अपने पोटैटोज़ को डाल दिया है एंड स्टर करेंगे अच्छे से। दीदी ने थोड़ा सा हेल्प किया है मेरे साथ। ये देखो अब इसका कलर कैसे चेंज हो गया, देखने में तो अच्छा लग रहा है ना वैसे। यार खाने में भी टेस्टी होगा। लुक एट दिस कलर, सो हॉट ना। यार बहुत ही यम्मी लग रहा है, वो तो खा के पता चलेगा। सो ये तो हमारा रेडी है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से स्टार करेंगे। थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इसमें और फ्लेवर्स जाए। इसमें और एक नो डलता तो नहीं है बट मैंने डाल दिया ओनली फॉर टेस्ट। सो हमारे पोटैटोज रेडी है एंड हम इसको सर्व करेंगे विद केचप एंड मेयोनीज। अब शानवी दीदी बताएंगी किसका टेस्ट कैसा है, तो हम लेके जाते हैं मैडम जी के पास। यार उसने कहा था टेस्ट अच्छा है बट आप बिलीव करो या ना, लेकिन खाने में तो टेस्टी था। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब